जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई श्रृंखला जिसमें हम आपको बताएंगे भारत के सभी ग्रंथों के बारे में, सभी पुस्तकों के बारे में जो भारत के हर एक धर्म से, खास तौर पर हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेद। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम देते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वेद दुनिया के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदों के आधार पर ही दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रचलित किया। वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से निर्मित है। विद का अर्थ है जानना, ज्ञान इत्यादि। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, अर्थात इस एकमात्र शब्द में ही सभी प्रकार का ज्ञान सम्मिलित है। दोस्तों प्राचीन भारतीय ऋषि जिन्हें मंत्र दृष्टा कहा गया है, उन्हीं के द्वारा मंत्रों के गूढ़ रहस्य को जानकर, समझकर, मनन कर उनकी अनुभूति को, उस ज्ञान को जिन ग्रंथों में संकलित कर संसार के समक्ष प्रस्तुत किया, वो प्राचीन ग्रंथ वेद कहलाए। एक ऐसी भी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है ज्ञान। वस्तुतः ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य मन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इनमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्मा, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेद प्राचीन भारत के पवित्रतम साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो ईश्वर की वाणी है। ये विश्व के उन प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में से हैं जिनके पवित्र मंत्र आज भी बड़ी आस्था और श्रद्धा से पढ़े और सुने जाते। वेद प्राचीन भारत के वैदिक काल की वाचिक परंपरा की अनुपम कृति हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 4-5 हज़ार वर्षों से चली आ रही है। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ हैं। वेद के असल मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। प्रारंभिक व्यवस्था में वेद केवल एक ही था। एक ही वेद में अनेक ऋचाएं थी जो वेद सूत्र कहलाते थे, ऐसा श्रीमद् भागवत में उल्लेखित एक श्लोक द्वारा ही स्पष्ट होता है। वेद में यज्ञ विधि का वर्णन है, सम यानी के गाने योग्य पदावलियां हैं तथा लोकोपकारी अनेक ही छंद हैं। इन समस्त विषयों से संपन्न एक ही वेद सतयुग और त्रेतायुग तक रहा। द्वापर युग में महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेद को 4 भागों में विभक्त किया, इस कारण महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहलाने लगे। संस्कृत में विभाग को व्यास कहते हैं, अतः वेदों का व्यास करने के कारण कृष्ण द्वैपायन जी वेद व्यास कहलाने लगे। महर्षि व्यास के पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, यह 4 शिष्य थे। महर्षि व्यास ने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद की शिक्षा दी। वेद में कुल मिलाकर 1,00,000 मंत्र हैं। इन 1,00,000 मंत्रों में 4,000 मंत्र ज्ञान कांड विषयक हैं, 16,000 मंत्र उपासना विधि के हैं और 80,000 मंत्र कर्मकांड विषयक हैं। मंत्रों की व्याख्या करने वाले भाग को ब्राह्मण कहते हैं। चारों वेदों के 4 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद का ऐत्रेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पंचविंश और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। इन ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड विषयक अंश ब्राह्मण कहलाता है, ज्ञान चर्चा विषयक अंश अरण्यक,
उपासना विषयक अंश को उपनिषद कहते हैं। इस प्रकार वेद मंत्रों का और ब्राह्मण भागों का निरूपण मंत्र, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद इन चार नामों से होने लगा। प्रत्येक वेद के साथ एक एक उपवेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्व वेद का स्थापत्य वेद, ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। वेद के विभाग चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, सम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। इसी प्रकार वेद के छह अंग और छह उपांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निषक्त, छंद और ज्योतिष तो छह अंग हैं। शिक्षा ग्रंथ से मंत्र उच्चारण की विधि प्राप्ति होती है, कल्प ग्रंथों से यज्ञ करने की विधि, व्याकरण से शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान, निरुक्त से वेद शब्दों के अर्थ का ज्ञान, छंद शास्त्र से छंदों का ज्ञान तथा ज्योतिष से ग्रह नक्षत्र आदि की स्थिति का तथा मानव पर उनके भले बुरे प्रभाव का ज्ञान होता है। वेदों के उपांग षड दर्शन या षट शास्त्र कहलाते हैं। इन वेदों में हजारों मंत्र और रचनाएं हैं जो एक ही समय में संभवतः नहीं रची गई होंगी और न ही एक ऋषि द्वारा। इनकी रचना समय समय पर ऋषियों द्वारा होती रही और वे एकत्रित होते गए। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रत्येक वेद को दो भागों में बांटा गया है, संहिता और ब्राह्मण। ब्राह्मण के तीन उपभाग हुए, ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्यों के नित्य प्रति के कर्मकांड से संबंधित है। प्रथम तीन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा गया है। इन तीनों नामों के ऋषियों से इनका संबंध बताया गया है, क्योंकि इसका कारण यह है कि अग्नि उस अंधकार को समाप्त करती है जो अज्ञान का अंधेरा है, इस कारण यह ज्ञान का प्रतीक बन गया है। वायु प्राय चलायमान है, इसका काम चलना यानी कि बहना है, इसका तात्पर्य है कि कर्म अथवा कार्य करते रहना चाहिए, इसलिए यह कर्म से संबंधित है। सूर्य सबसे तेज युक्त है, जिसे सभी प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होकर उसे पूजते हैं, इसलिए कहा गया है कि यह पूजनीय अर्थात उपासना के योग्य है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चार मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई बताई गई है। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत इत्यादि में आए शब्दों से मनुष्यों और स्थान आदि का नामकरण किया जाता है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियाँ भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। दोस्तों, यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया वेदों के बारे में, वेदों की उत्पत्ति के बारे में और वेदों के गूढ़ रहस्य के बारे में, वेदों के भागों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।